नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, खंजरपुर इलाके में अपराधी को मारी गोली, हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। नशेड़ी पति को शराब पीने से रोकना, महिला को पड़ा भारी, पत्नी और बच्चे को किरोसिन डालकर लगाई आग, इलाज के दौरान हुई मौत। विश्व श्रवण दिवस को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मायागंज के ईएनटी विभाग में बहरेपन के शिकार लोगों की हुई जांच। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर जिले भर में हुआ कई कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों को किया गया जागरूक। और फागुनोत्सव को लेकर खाटू श्याम मंदिर में तैयारी हुई तेज, 5 मार्च से निकाली जाएगी भव्य निशान शोभा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के खंजरपुर स्थित पांडव लॉज में छिपकर रह रहे एक अपराधी को मंगलवार की सुबह 3 अपराधियों ने गोली मार दिया। घटना में अपराधी दिव्यांशु उर्फ सोनू झा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल दिव्यांशु ने बताया कि बरारी निवासी पप्पू मिश्रा, कहलगांव के अजय पासवान और गोरेलाल यादव पिछले कई दिनों से 2 लाख रुपये रंगदारी देने की मांग कर रहा था, जिसके कारण वह छिपकर भैगना हर्ष झा के साथ पांडव लॉज में रह रहा था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी राजवंश सिंह बरारी थाना के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने घटनास्थल से खून के छींटे और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। हम आपको बता दें कि कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र इकचारी गांव निवासी दिव्यांशु झा का आपराधिक इतिहास रहा है। 4 दिन पूर्व ही दिव्यांशु कहलगांव स्टेशन पर अनुमंडल कार्यालय के लिपिक अजय कुमार पर गोलीबारी और बम से हमला कर फरार हो गया था। फरारी की स्थिति में वह पांडव लॉज में छिपकर रह रहा था। इसके पूर्व भी दिव्यांशु 8 अगस्त 2018 को कोर्ट परिसर में हथियार के साथ घूम रहा था, जिसे ड्यूटी में तैनात जवानों ने खदेड़ कर पकड़ लिया था। दिव्यांशु झा उर्फ सोनू झा है कहलगांव के, वो यहाँ आए थे, उनको गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। 10 बजे घटना, अभी तो हम लोग इसकी जो औपचारिक कार्रवाई वो पूरा कर रहे हैं, नाम वो आ रहा है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। गोड्डा के महागामा में नशेड़ी पति को शराब पीने से मना किया तो नशेड़ी पति ने पत्नी और 2.5 वर्ष मासूम बेटे पर केरोसिन तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में माँ और बेटे को सोमवार की सुबह इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मृतिका भागलपुर गोराडी प्रखंड के बवनगामा गाँव निवासी अंग्रेज मंडल की पुत्री रानी देवी है, जिसकी शादी 6 वर्ष पूर्व गोड्डा जिला निवासी कुंदन कामती के साथ हुई थी। इसी दौरान रानी ने 2.5 वर्ष पूर्व पुत्र हिमांशु को जन्म दिया था। मृतिका के पिता ने बताया कि शादी के बाद उन्हें दामाद के नशेड़ी होने की जानकारी मिली थी। बेटी रानी द्वारा शराब पीने का विरोध करने पर उसका पति हमेशा मारपीट करता था। रविवार की रात पति शराब के नशे में घर पहुंचा, जिसके बाद पति पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद पति कुंदन ने कमरा बंद कर माँ और बेटे पर केरोसिन डालकर आग लगा दिया। गंभीर हालत में झुलसे दोनों माँ बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार की देर शाम दोनों की मौत हो गई। वहीं बरारी पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। तो रास्ते में बोला कि दारू पी के आया और गड्डम गाड़ी करके मारने पीटने भिड़ गया और किरासन तेल डाल के दोनों को जला दिया। कौन जला? और ये और है कुंदन, कौन है? मेरा दामाद। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर मंगलवार को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ईएनटी डिपार्टमेंट में ओपीडी कैंप का आयोजन किया गया। एओआई बिहार झारखंड एवं ईएनटी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा, डॉक्टर एस के भगत, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर सीएम उपाध्याय एवं डॉक्टर महेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विभाग के चिकित्सकों ने श्रवण शक्ति बेहतर करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी और गंदगी एवं ईयरफोन के अधिक उपयोग से बचने की बात कही। विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि आमतौर पर लोग कान से संबंधित समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय पर ध्यान नहीं देने पर समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। श्रवण दिवस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कान की समस्या के बारे में जागरूक किया जाता है। पूरे साउथ एशिया में 80 बिलियन लोग श्रवण शक्ति की समस्या से ग्रसित हैं। सरकार भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास कर रही है, जिससे लोग चिकित्सकों के परामर्श और जागरूकता कार्यक्रम से समय पर इलाज करा सकें। इस मौके पर डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर अभय सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। WHO के द्वारा प्रत्येक 3 मार्च को
विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। मरीजों को इसके बारे में जानकारी दी गई कि कैसे हम श्रवण शक्ति को बचाएं। श्रवण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने आप को जोड़ता है, विश्व को जोड़ता है, समाज से जोड़ता है। अगर श्रवण शक्ति नहीं रहेगी तो हम अपने आप को अलग थलग समझते हैं। इसलिए इसकी महत्ता को समझना है और इससे होने वाली बीमारियों को, जिसके कारण श्रवण शक्ति की ह्रास होती है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई और कहा गया कि इसमें जहां कान में कोई भी तकलीफ हो तुरंत अस्पताल आके इसका इलाज करें और सही समय पर आने पर हम इसके आपके श्रवण शक्ति का जो ह्रास होता है उसको हम रोक सकते हैं। आपको अच्छी श्रवण शक्ति देने की जो प्रयास करेंगे आप लोगों के, इसी के जागरूकता हेतु आज यह कैंप लगाया गया। लोगों को तरह तरह की इसकी जानकारी देंगे, कैसे बीमारी फैलती है, कैसे श्रवण शक्ति का ह्रास होता है और कौन कौन सी बीमारी होती है, उसका हम क्या उपचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी अभियान जल जीवन हरियाली को मिशन मोड में कार्यान्वित करने के लिए मंगलवार को सूबे के सभी सार्वजनिक स्थानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में जल जीवन हरियाली पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद ने की। वहीं रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल को प्रदूषण मुक्त रखने, भू जल स्तर को बनाए रखने तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं ऊर्जा की बचत के लिए बिहार सरकार का प्रयास सराहनीय है। रजिस्ट्रार ने जागरूकता कार्यक्रम को लेकर प्रशंसा व्यक्त की, साथ ही पॉलीथीन को पर्यावरण के लिए घातक बताया। वहीं प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद ने छात्र छात्राओं से जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने की अपील की, साथ ही कैंपस में पेड़ पौधा लगाने की बात कही। कार्यक्रम में एनएसएस के समन्वयक डॉ. दीपो महतो ने जल संचय पर जोर दिया, साथ ही कहा कि हरियाली है तो जल है और जीवन भी। वहीं एफओ बीजेमल प्रसाद और वित्त परामर्शी पद्मकांत झा ने वृहद स्तर पर पौधारोपण करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। मौके पर परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार सिंह, पीआरओ डॉ. एसडी झा, राजीव कुमार एवं प्रशांत झा समेत काफी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारी, पदाधिकारी और एनएसएस से जुड़े छात्र मौजूद थे। एक एक बूंद के लिए पानी के लिए लड़ाई, आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह है पानी मिलता नहीं है। एक जगह है वहां पे 5-5 लोग घोड़ी कराए हुए रखे हुए हैं, 5 लोग का एक परिवार है, मान लीजिए 25 घर है वहां पे, देखेंगे या 10 घर है वहां, हर एक घर में एक घोड़ी किया हुआ पानी। जिस तरह से मैं लालबाग में देखता हूँ, मेरे घर के क्वार्टर में मैं देखता हूँ, पूछिए दिवाकर जी बैठे हुए हैं यहाँ, मैं कम से कम 20 बार पूछ चुका हूँ, बहुत के घरों से पानी छूटता है, ओवरफ्लो होता है। इधर भागलपुर के टीएनबी कॉलेज, मड़वाड़ी कॉलेज, एसएम कॉलेज, जीबी कॉलेज नवगछिया और मुंगेर विश्वविद्यालय के राम स्वारत कॉलेज तारापुर में भी जल जीवन हरियाली अभियान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर जीबी कॉलेज नवगछिया के जूलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. फिरोज अहमद ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। विश्वविद्यालय के आदेशानुसार आज हम लोगों ने जल जीवन हरियाली पर आज से दिवस से स्टार्ट किया, जिसपे खास करके हम लोगों ने फोकस किया कि जल के साथ जीवन का कैसे संबंध है। हम ये जानते हैं कि हमारे यानी मानव के शरीर में खुद 70% जल है और 3% अदर पदार्थ है, और बिना जल का हमारी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, और उस जल का संबंध जो है वो हमारे जीवन से है, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं, और जल का जो मेन संरक्षक है वो पेड़ है। इसलिए अगर जल और जीवन दोनों को बचाना है तो हमें पेड़ की संरक्षण करना होगा। श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से भागलपुर के मंदरोजा खाटू श्याम मंदिर में आयोजित होने वाले फागुनोत्सव कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलेश कोटरीवाल ने कहा कि विगत 14 वर्षों से खाटू श्याम मंदिर में होली को लेकर फागुनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें निशान शोभा यात्रा, अखंड ज्योति पाठ, भजन, नृत्य, नाटिका, स्वामिनी, छप्पन भोग एवं भंडारा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को महिलाओं द्वारा अखंड ज्योति पाठ से होगी, जबकि गुरुवार को विराट निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में श्रद्धालु भागलपुर समेत गोड्डा, नवगछिया, सुल्तानगंज से निकलकर खाटू श्याम मंदिर पहुंचेंगे, जहां कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित झुनझुनवाला, अशोक लुहारुका, कपिल जैन एवं पवन मेहता मौजूद थे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य है फागुनोत्सव के कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी। फागुनोत्सव हर साल मनाया जाता है, 2 दिन का ये कार्यक्रम होता है, फागुन की 11 और 12।
ग्यारस के दिन निशान शोभा यात्रा निकलती है गौशाला से, हजारों की संख्या में इसमें निशान और निशान के साथ भक्त रहते हैं जो निशान बाबा को मंदिर पर चढ़ते हैं। इसके अलावा डोटा नगर मगछिया सुल्तानगंज से भी निशान भक्त आते हैं और संध्या तक निशान चढ़ते हैं। फिर मेन कार्यक्रम अपना 24 घंटे का अखंड ज्योत भजनों का कीर्तन कलाकारों द्वारा ये प्रातः रात्रि 8 बजे चालू होता है 5 मार्च को और 6 मार्च को रात्रि 8 बजे तक चलेगा। 6 मार्च को दोपहर में बाबा का भंडारा होता है जो सभी के लिए होता है, हर भक्त कोई भी भक्त इसमें आ सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसी बीच महिलाओं द्वारा 56 लोगों का कार्यक्रम होता है दिन में 1 बजे और 4 बजे होगा कलकत्ता के कलाकारों द्वारा रासलीला का कार्यक्रम, नृत्य नाटिका का कार्यक्रम जो कृष्ण भगवान की झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों की तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई-लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला दिवस सप्ताह को लेकर परिधि की महिला सदस्यों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में मांगों का ज्ञापन सौंपा। DM को दिए गए ज्ञापन में महिलाओं को 33% की जगह 50% आरक्षण देने, पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार देने, कार्यस्थल पर यौन हिंसा रोकने के लिए कंप्लेंट कमेटी गठित करने, मकान का स्वामित्व महिलाओं के नाम करने के साथ महिलाओं के अधिकार से संबंधित कई मांग की गई। मौके पर प्रतिनिधि मंडल में रेणु घोष, मृदुला सिंह, साक्षी, कोमल, मीना कुमारी समेत कई महिला एवं युवतियां मौजूद थीं। गौरतलब है कि भागलपुर के कला केंद्र में परिधि की ओर से महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी को लेकर महिला अधिकार के लिए परिधि की ओर से DM को ज्ञापन सौंपा गया। हम लोगों की पहली मांग है 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण चाहिए। दूसरी मांग है पैतृक संपत्ति में बेटियों को अधिकार, 2005 में बने पैतृक जो संपत्ति का अधिकार है उसको सख्त से लागू किया जाए और बंटवारे में बेटियों के अधिकार सुनिश्चित हों। तीसरा है सभी मकान का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर हो। चौथा है सभी कार्यस्थल में जो यौन हिंसा का रोकने का किया जाए। मशहूर सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स के मौके पर अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लोगों ने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अपनी मुराद पूरी होने की दुआ मांगी। वहीं फातिहा पढ़ने के बाद अकीदतमंदों ने अपने सूबे और देश की खुशहाली के लिए चादरपोशी की और महफिल समा में शिरकत की। भागलपुर से भी सैकड़ों की संख्या में लोग हजरत ख्वाजा के उर्स में शामिल हुए। इधर भागलपुर ततारपुर के आजम खान चिश्ती ने बताया कि कार्यक्रम समापन के पूर्व दरगाह परिसर में सामूहिक रूप से विश्व में अमन और शांति की दुआ मांगी गई। आज ख्वाजा खाजगान हिंदलवली महाराज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स मनाया गया, जिसमें रात को गुस्ल हुआ, अभी सुबह कुरान खानी हुई, कुल शरीफ हुई, फातिहा खानी हुई, साथ ही हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति के लिए दुआ की गई। भागलपुर रेकाबगंज स्थित मिल्लिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में मंगलवार को कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाई, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों ने एक से बढ़कर एक विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टॉल लगाए।
इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर की अपर अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमारी, स्कूल के सचिव इंजीनियर राशिद इकबाल और प्राचार्य शौकत अली ने कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी को घूम घूम कर देखा और छात्र छात्राओं से प्रोजेक्ट की जानकारी ली। वहीं अपर अनुमंडलीय पदाधिकारी अनु कुमारी ने स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए आर्ट एंड साइंस प्रदर्शनी की जमकर प्रशंसा की, साथ ही छात्रों को अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने सौर ऊर्जा, वाटर हार्वेस्टिंग, वाईफाई, लाईफाई, प्रोजेक्टर, फ्री एनर्जी, सोलर सिस्टम समेत कई तरह की प्रदर्शनी के जरिए अपने वैज्ञानिक दृष्टि को प्रकट किया। वहीं सचिव राशिद इकबाल ने बताया कि वार्षिक प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर मोहम्मद हिलाल समेत स्कूल के सभी शिक्षक और कर्मी मौजूद थे। बच्चों के लिए जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो उनके सामूहिक जो सामग्री का विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी है। इस तरह के क्रियाकलाप चाहे विज्ञान के हों, कला के हों, उसमें नृत्य हो, गायन हो या कुछ भी आप बनाते हैं तो बच्चों की जो का जो व्यक्तित्व से खिलने का निखरने का मौका मिलता है। और मैं ये देख कर बहुत मुझे खुशी मिल रही है कि बच्चे इसे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे इस चीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व हैं और निश्चित रूप से ये चीज़ इनके इनको काफ़ी आगे लेके जाएगी। आज जो है हमारे यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है और साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन भी है। तो साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन में जो भी बच्चे का मॉडल बेस्ट होगा उसको आज प्राइज दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे इस स्कूल में पूरे वर्ष जो है कार्यक्रम हुआ था, जैसे स्पेलिंग कंटेस्ट, डिबेट, ऐसे कंपटीशन, हैंड राइटिंग, ड्राइंग, उस सब में जो भी बच्चे उन बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम किया था, जो जो फर्स्ट और सेकंड रैंक लाए थे उनको भी आज जो है हमारे जो भी गेस्ट हैं चीफ गेस्ट उनके द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। कहलगांव SSB कॉलेज के मैदान में मंगलवार को KCC क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन कृष्णा सिंह, नीरज मंडल, रवि कुमार और अमित कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंगेर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 118 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी कटिहार की टीम ने महज 13 ओवर में ही 7 विकेट से मैच जीत लिया। टूर्नामेंट में 3 विकेट लेने वाले क्रिकेटर भारती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच में उद्घोषक की भूमिका अमित चौबे एवं नयन तिवारी ने निभाई, जबकि निर्णायक की भूमिका में वेदी एवं महेश थे। वहीं मैच को देखने के लिए काफ़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुटी रही। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, खंजरपुरी इलाके में अपराधी को मारी गोली, हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। नशेड़ी पति को शराब पीने से रोकना महिला को पड़ा भारी, पत्नी और बच्चे को किरोसिन डालकर लगाई आग, इलाज के दौरान हुई मौत। विश्व श्रवण दिवस को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मायागंज के ENT विभाग में बहरेपन के शिकार लोगों की हुई जांच। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर जिले भर में हुआ कई कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों को किया गया जागरूक। और फागुनोत्सव को लेकर खाटू श्याम मंदिर में तैयारी हुई तेज, 5 मार्च से निकाली जाएगी भव्य निशान शोभा यात्रा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।